सेहत ही धन है। बहुत पहले की बात है, एक राजा था जो कि बहुत ही दयालु और सौहार्दपूर्ण व्यक्ति था। उसे कोई भी काम करने की चाह नहीं थी। हर पल उसकी सेवा करने के लिए एक परिचर उसके साथ ही रहता था। हर वक्त बिस्तर पर लेटे रहने की वजह से राजा का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था। एक ऐसा वक्त आया जब राजा पूर्णतः निष्क्रिय हो गया। वह ऐसी स्थिति में आ गया कि उसे अपनी जगह से हिल पाना भी बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा खाना और निद्रा की वजह से राजा बहुत मोटा हो गया और कुछ दिन बाद बीमार हो गया। उसने वैद्य को अपना उपचार करने के लिए बुलवाया। वैद्य ने राजा की स्थिति देखकर अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा, अब राजा को कोई भी औषधि सही नहीं कर सकती। इस समाचार से जनता बहुत दुखी थी। एक दिन राज्य मंत्री शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे। संयोगवश राज्य मंत्री की मुलाकात एक साधु से हुई और अपनी वार्तालाप के दौरान उन्होंने अपने राजा के बारे में साधु को बताया। तब साधु ने राज्य मंत्री से कहा कि वे राजा को ठीक कर सकते हैं। ऐसा सुनने के बाद राज्य मंत्री बहुत खुश हुए। राज्य मंत्री साधु को अपने साथ लेकर राजा के पास आ गए। राजा को देखकर साधु ने बोला कि वे ठीक हो जाएंगे और कोई भी गंभीर बात नहीं है। राजा अपने उपचार की शुरुआत अगले दिन से कर सकेंगे। साधु ने राजा को बोला कि कल से राजा को स्वयं अपने पैरों पर चलकर साधु की झोपड़ी तक आना है। राजा भी साधु की बात मान गए। इस तरह पूरे एक साल राजा को साधु की झोपड़ी में महल से पैदल चलकर जाने से अब राजा की सेहत में काफी सुधार आ गया था और राजा को अब अपनी जिंदगी जीने में मजा आ रहा था। और अब प्रजा भी राजा के स्वास्थ्य में सुधार से काफी खुश थी। अब जाकर साधु ने राजा को बताया कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए। सारांश, सेहत ही धन है।